ये शराब माफिया, बालू माफिया सरकार पे हावी है और सरकार के तंत्र विफल है, सरकार के तंत्र नतमस्तक है। महागठबंधन के सामने नीतीश कुमार जी के जो महापार्टनर हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, उनकी रंगदारी, उनकी ठेकेदारी सब सामने बातें आ रही हैं, जो सरकार के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ने का काम कर रहे हैं। एक समुदाय विशेष का सामने 24 में वोट लेना है और देश के प्रधानमंत्री बनने का जो लालसा है वो विफल हो चुका है। यूपी में तो राम राज है, जंगल राज तो यहाँ है, जहाँ पर पदाधिकारी पीटे जा रहे हैं, जब ये तरह का वीडियो वायरल होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। पटना और मोतिहारी में हुई घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ साफ कहा कि बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया नीतीश और तेजस्वी सरकार पर हावी हैं। बिहार में जंगल राज है, यूपी में तो राम राज्य है, कई सारी बातों को कह रहे हैं। बीजेपी विधायक है राम सूरत राय क्या कुछ कह रहे हैं, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, साथ ही साथ बीजेपी के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। ये शराब माफिया, बालू माफिया सरकार पे हावी है और सरकार के तंत्र विफल है, सरकार के तंत्र नतमस्तक है महागठबंधन के सामने, और इनके नीतीश कुमार जी के जो महापार्टनर हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, उनकी रंगदारी, उनकी ठेकेदारी सब सामने बातें आ रही हैं, जो सरकार के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ने का काम कर रहे हैं। आतिक अहमद की हत्या हुई है तो जेडीयू वाले आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में जंगल राज आ गया। निश्चित रूप से जो जदयू के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, और अपराधी को अपराधी अगर मार रहा है तो ये बहुत इस पर इनको नागवार गुजर रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि एक समुदाय विशेष का सामने 24 में वोट लेना है और देश के प्रधानमंत्री बनने का जो लालसा है वो विफल हो चुका है। बिहार में क्या लग रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है? मैं तो कह रहा हूं कि बिहार जितना अराजकता फैला रहा है, जितनी हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये बालू और दारू माफिया जिस तरह से घटनाएं कर रहे हैं, आज वही चीज़ नीतीश कुमार जी आज 4-4 लाख रुपए दिए और हम लोग विधानसभा से लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम लोग आवाज़ उठाए, आज उस चीज़ को माने कि नहीं माने, यानी अपनी अकर, अपना घमंडी और पाखंडी को दिखाने के लिए बिहार की जनता को गटर में धकेल रहे हैं। पूरे बिहार में चाहे वो बालू माफिया हो या दारू माफिया हो, सभी का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि जब भी पुलिस एक्यूज को पकड़ने जाती है तो उल्टे पुलिस पर ही हमला कर देते हैं, अपराधी को छुड़ा देते हैं। पुलिस का ये आलम है कि पुलिस पिटा कर वापस आती है, तो एक तरह से पुलिस का भी मनोबल गिरा हुआ है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधी पर जो लगाम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, कानून व्यवस्था पूरा शिथिल है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें और संज्ञान लें कि इस तरह से काम करने का, खासकर ये जो महिला अधिकारी का जो पिटने का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये यूपी में जंगल राज। देखिए, यूपी में तो राम राज है, जंगल राज तो यहाँ है, जहाँ पर पदाधिकारी पीटे जा रहे हैं, जब ये तरह का वीडियो वायरल होता है तो इससे बिहार की छवि खराब होती है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि खराब होती है। सुशासन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर चिंता ही नहीं करते हैं, वो पूरे बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने साफ साफ कह दिया कि बिहार पुलिस तो पिट जाती है, जहां छापेमारी करने जाती है वहां पिट जाती है, बिहार पुलिस का मनोबल छोटा हो गया है, और कई सारी बातों को भी कह रहे हैं। वहीं ये भी कह दिया कि बिहार में जंगल राज है, यूपी में तो राम राज्य है, और बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक राम सूरत राय ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी सरकार पर शराब माफिया हावी हैं, बालू माफिया हावी हैं, और सरकार नमक है, और साथ ही साथ उन्होंने यही कहा सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक।